डेफिनेटली वरुण ने हम दोनों को पहले ऑडियंस ने हम दोनों को देखा है पहले डांस करते हुए, तो आई थिंक फ्रॉम इवन दी ऑडियंसेज एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है हम सब के लिए, एंड चैलेंजेस थे जो आप आई थिंक धीरे धीरे देखेंगे, बट वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. तो या सच में सर ने जिस तरीके से फिल्म बनाई है, व्हाट ऑल ही इज बीन थ्रू, पर्सनली बहुत डिफिकल्ट रहा है ये आदमी के लिए. ही इज हमारे इंडस्ट्री में होता है ट्रोलिंग वोलिंग बहुत होता है, ये सब चीज़ें होती है. दिस मैन हैज़ आई बिलीव कि ये फिल्म सिर्फ एक डांस, ये एक डांस फिल्म नहीं है, ये एक इसमें बहुत ही तगड़ी स्टोरी है, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट सब कुछ है जो ABCD 1 ABCD 2 में था, बट एक और चीज़ है. एंड वो बस आई वॉज वेरी सरप्राइज कि सर ये मतलब वी ऑल वो लाइक एंड आई एम जस्ट सो मतलब ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस. आई एम सो ग्लैड टू हैव मेट someone like Remo in my life, and I think we just drive each other. I mean, I know I drive him mad also. I know that, but I love him. I really love him. Bhushan ji, Street Dancer in 3D was amazing actually. और आपकी और एक फिल्म आ रही है तानाजी, which is in 3D. तो ये 3D का कल्चर आप मतलब आप सब चीज 3D में ही करोगे सर अभी? नहीं नहीं, डांस फिल्म तानाजी तो obviously it's a एक्शन पैक फिल्म, तो इसलिए वो 3D में करनी है, हमारा पहले से ही प्लान था. बट स्ट्रीट डांसर बिकॉज ABCD 2 3D में बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी, एंड हमारा बिगनिंग से ही प्लान था कि हम ये 3D में करें, और आप देख ही रहे हैं 3D में कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है. Remo, was it difficult to transition with the film? I think because Katrina was once associated with it, when she backed out, was it difficult to sort of mount the project again? इसलिए हम बार बार श्रद्धा को थैंक्स बोलते रहते हैं एंड बोलते हैं कि हमारी हमको बचा लिया श्रद्धा ने. नो एक पॉइंट पे हुआ था कि यार अब क्या करें हम लोग, एंड क्योंकि और ऐसे भी नहीं कि बैक आउट हुआ या ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो एक्चुअली डेट्स का हुआ था, सभी को पता है भारत में क्या हुआ था, एंड देन हाउ शी हैज़ टू गो देयर, एंड तो डेट के प्रॉब्लम हुए थे इस वजह से वो हुआ. अदरवाइज एंड जब वो हुआ तब हम लोग टेंशन में थे. एक हफ्ते पहले बिफोर ऑल दिस हैपेंड, श्रद्धा, बिकॉज मी एंड श्रद्धा आर वेरी गुड फ्रेंड्स इन रियल लाइफ ऑल्सो, एंड वी हैड गॉन समवेयर, वी गो टुगेदर, एंड शी टोल्ड मी कि यू नो आई वॉज वेरी अपसेट विद रेमो एंड यू दैट यू ऑल डिडंट ऑफर मी दिस फिल्म, एंड स्क्रिप्ट कुछ और थी उस वक्त. आई थिंक दैट्स व्हाई सर डिडंट थिंक अबाउट इट, एंड शी जेन्युइनली वॉज इमोशनल अबाउट दिस, एंड आई गॉट वेरी इमोशनल, एंड फिर डेस्टिनी, आई थिंक इट्स डेस्टिनी. यस, अच्छा एक क्वेश्चन, मेरा भी रोल ले लेगी नेक्स्ट फिल्म में लगता है. Also, Varun, you mentioned in the beginning how relevant the film is considering what's happening today. We are seeing students taking to streets to protest and then subsequent violence. Tell me, is it becoming difficult for actors to speak out? Because if you speak out, it'll look like you're against the country and something like that. Is that a fear that you operate from? I think it's one, though it's a person to person thing. It's not about fear. Personally, I'm not scared. I'm not scared of anyone because I love my country. I love all my countrymen. I'm feeling the safest in this room. Who's going to touch me with all of you all over? So my thing is that, you know, speaking out today has become social media. मतलब आपने tweet नहीं किया तो मतलब आप गलत हो. बट ट्वीट करने से क्या होता है, हम नहीं पे इज फुल ऑफ इंडिया ऑन ट्विटर. नहीं, आर यू ट्वीटिंग? वरुण हाय, इज फुल ऑफ इंडिया ऑन ट्विटर राइट नाउ? नो. सो व्हाट आई फील पर्सनली एज अ पर्सन, आई कैन हैव दोज कॉन्वर्सेशंस इन माय लिविंग रूम विद माय पेरेंट्स विद माय फ्रेंड्स, एंड आई थिंक द बेस्ट वे फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक अ डिफरेंस इज बाय लिविंग योर लाइफ. आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, आप काम के वक्त कैसे होते हो, आपके दोस्त यार कौन है, क्या हम लोग जैसे हम, आई मीन दैट्स द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप. मैं कभी कुछ भेदभाव नहीं करता हूँ, मैं सबके साथ दोस्ती रखता हूँ और सबके साथ काम करता हूँ. सो दैट्स मी एज अ पर्सन, तो दैट्स मी सेटिंग एन एग्जांपल. Varun, hi, this is Priyanka from Indian Express. Taking from what you said, that why do we need to speak up on Twitter, because the whole India is not on Twitter, rightly so. But the whole India is on streets right now. Students are on streets. And tomorrow we are going to witness a huge protest where Farhan, Zoya, Reema, a lot of people from your fraternity have said that they would be there. Yeah.
So even if you do not speak on Twitter as influential personalities who we go to watch in theaters, do you feel a sense of responsibility? I've just spoken to you directly. I feel that our media here might have a bigger reach than correct. So Twitter. Will we also witness you or Shraddha on streets with people, with common citizens, to oppose what's happening right now in the country? See, honestly, what's happening right now in the country is being reported. The reason why I don't want to comment exactly about what's happening is because there are 4-5 versions floating. What I can say, see, right now we are sitting here in Mumbai, something else is happening in other parts of the country. It's very wrong of us to comment what's happening there until we don't see that, until we are 100% aware what's happened. Definitely, any kind of force used against peaceful protesters is wrong. That's what happened. That's 100% we are agreeing with that. That is wrong. But now other law and order situations which are occurring, which as of you know, and these people you named, even they commented about that. Even they commented about that and said that is also wrong. Right. So there are two sides of it, ma'am. So right now it is such a sensitive matter that it's very easy to speak and say something or to slam someone. It's the easiest thing. Ki muh se nikal gaya ya lik diya. But when you're a public personality, people follow you, kids follow you. That's exactly so, so once the situation has been studied, definitely I will give out my viewpoint concerning something. I am not pro or against someone and I'm not speaking out of fear. I'm telling you this right now only. I'm not fearful of anyone. This is my country and I want to say it. I'm just trying to be responsible in what I say because I don't want to instigate someone wrongly. That's the only reason. Right. Thank you. Hi, Bhushan sir, on your right. Hi, this is Akash from Mirror. So, sir, as you said that during ABCD1, you told Remo sir that you should make it with the music company. So, in between ABCD1 and Street Dancer 3, did you ever think of starting a new dance franchisee? Nee, never. I always thought that if I'll make a dance film, I'll make with Remo only. So that's the reason I never attempted anything else. And during the course of the film, destiny. Did your dancing skills improve? Sorry? Did your dancing skills improve during the film? Yes, of course. Yeah, we saw abhi inhone mujhe niche bola dance karne ke liye thoda jo mujhe aata nahi hai lekin inhone force kiya. So still I tried. Hello? Yes, sir. Hello. Kajal here from Bollywood Station. Hello. Hi everyone. This is Kajal from Bollywood Station. Mera question Shraddha ma'am aur Varun sir se hai. Jaise ki humne trailer mein dekha aap dono fight karte ho ek dusre se ladai karte ho. Real life mein aapne kabhi ladai ki hai is tarike se? Ha. Bahut. Jab chote the zyada ki thi ladai. पर अभी थोड़े बड़े हो गए तो अभी अच्छे अभी, से अभी आप लड़ाई करते तो कौन बचा मतलब कौन साइड करता आप दोनों को ये बहुत लड़ाई करते मुझसे और मैं भी इनसे और ज्यादा थोड़ा और ज्यादा करती हूँ आई थिंक ना कभी कभी मैं अभी बिल्कुल नहीं लड़ाई करता हूँ इनके साथ मैं बहुत प्रेम से बात करता हूँ और बहुत अच्छी और बहुत ख्याल रखता हूँ इनका हमारी मतलब मस्ती चलती रहती है हाँ रेमो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि फालतू ABCD1 ABCD2 एक चीज कॉमन रही थी वो है गणेश आरती एक सॉन्ग फॉर गणेश और आपने कहा भी था ABCD2 के अंदर दैट आई कंसीडर गणपति एज लकी चार्म सो इस बार गणेश जी के लिए कुछ आपने किया है बिकॉज लास्ट टू टाइम आपने नहीं किया तो फिल्म भी नहीं चली थी इस फिल्म में बहुत सही है और इसलिए मैंने सबसे पहला गाना हमने रिकॉर्ड किया गणपति का और इस फिल्म में गाना है गणपति का So yes, I am a strong believer. Bappa ka bahut bada bhakt hu main. In fact, hum sabhi hai. Aur main bahut manta bhi hu. To isme yes, of course, Bappa ka gana hai ek. Varun ji, mera sawal aapse hai. Aarti Saxena. Aap hai na sab dancers ke beech mein ghire hue hain. Like Govinda ka film first street dancer se aap ye copy hai. Baju mein Remo D'Souza ji hai. अगर अभी नहीं है लेकिन प्रभु देवा जी भी आपके सर पे है तो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब इतने सारे डांसरों के बीच में अच्छा डांस करना बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बट यू नो मेरे हिसाब से एक होता है डांस करना एक होता है डांस के थ्रू कुछ एक्सप्रेस करना एक स्टोरी बोलना अगर आपके साथ इमोशन होना तो जो नॉर्मल डांस है वो भी बहुत बड़ा लगेगा वही मैंने सीखा है रेमो सर से कि आपके डांस के थ्रू एक बात कहना तो हमारी फिल्म का यही मोटो है प्रियंका इवन फॉर व्हाट यू आल्सो आस्किंग बिफोर
that there's one motto in this film, there's one moral in this film is ki chahe tere lab pe vahe guru da naam aave ya na aave, lekin wo pal bhi ibadat da hunda hai jab tu kisi aur ke kaam aave. Actually, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी आपके सवाल को कि वरुण इज सराउंडेड बाय ऑल द डांसर्स एंड एवरीथिंग. आई हैव टू से कि फॉर दिस फिल्म आई डोंट थिंक देर कुड बी एनीबॉडी बेटर देन वरुण टू बी द हीरो ऑफ दिस फिल्म, टू बी द फ्लैग बेरर, टू बी द यू नो द वन हु इज जस्ट फ्रंटिंग इट ऑल्सो. क्योंकि आई थिंक कि जिस तरह से ये सबको यूनाइट करते हैं, सबको इंस्पायर करते हैं, क्योंकि ये इतने ग्राउंडेड है एज अ पर्सन कि सब इनको बहुत प्यार करते हैं. एंड आई थिंक कि दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म ऑल्सो, बिकॉज जब आपके फिल्म के लीड हीरो इतने ईजी गोइंग है तो सबके लिए बहुत आसान हो जाता है, कोई ऐसा इंटिमिडेट नहीं होता, सब इनके फ्रेंड है. तो आई थिंक कि वो क्वालिटी इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है. और एक और क्वालिटी है कि गोविंदा जी की तरह इनके एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे हैं. कैन वी प्लीज हैव द लास्ट क्वेश्चन वरुण मेरे गाइस, द लास्ट क्वेश्चन वरुण जी, कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? वरुण जी, गोविंदा जी का आपके जैसे ही एक्सप्रेशन बहुत 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 बड़े इंस्पिरेशन है, इवन आई लव हिम. बस वरुण हियर, वरुण मनीष फ्रॉम न्यूज़ नेशन, आपके राइट में, राइट में आपके. वरुण, एक आज एक और बड़ा दिन है, हिस्टोरिकल दिन एक तरह से कहें, निर्भया के लिए सारी आवाज़ें उठ रही हैं और आज उसकी सुनवाई भी चल रही है और लगभग क्लियर ही है कि उन्हें फांसी की सज़ा होगी. क्या कहेंगे आप और रमो आपसे भी? आई थिंक ये इंटायर टीम ये कहना चाहेगी. एक्चुअली जो हुआ है, आई थिंक सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जानी चाहिए और